अच्छे पैसे मिलेंगे ना तो मैं तो भिखारी की भी एक्टिंग करने के लिए तैयार हूँ। क्या? अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा, भगवान के नाम पे दे दे बाबा। क्या हो रहा है? नहीं, वो कनिका को भिखारी की एक्टिंग सिखा रही थी। पापा अब रहने दीजिए, हम कर लेंगे। नहीं कुछ नहीं बेटा, मैं रहने दीजिए पापा, हम कर लेंगे। अब जाइए आराम कीजिए, हम कर लेंगे। ये तो वही सेवर है, कितनी पुरानी तस्वीर है, कुछ पता भी नहीं चल रहा। पिताजी को जरूर पता होगा, हमें जानना होगा ये तस्वीर किसकी है। और सेवर कहीं चोरी तो नहीं हो गए? बोल, कहीं लग रही हूं मैं? मैं अपना पर्स लेके आती हूं अभी। ये तो मेरे कॉलेज के दिनों में फैशन शो हुआ था, तभी की फोटो है। चलिए मामी जी। दीदी हम जरा बाजार हो गया। सिर्फ एक बात का ध्यान रखना, ऐसा कोई काम मत करना जिससे ठाकुरों की मर्यादा पर आंच आए। अच्छा हुआ आपने फोन किया। आपका फेवरेट कलर कौन सा है? ब्लू। ब्लू, आपने हमारी मुश्किल आसान कर दी, अब हमें जाना होगा। अरे सुनो ना, 2 मिनट बस, 2 दिन और इंतजार कर लीजिए, फिर तो मैं हमेशा के लिए आपके पास आ जाऊंगी। बाय। आज तक किसी भी पार्टी में नहीं गई हूँ मैं। आप वहाँ जवान लोगों की पार्टी में क्या करेंगी? वही जो तुम लोग करोगे। अच्छा ठीक है, आप घर जाइए और जाके रेडी हो जाइए, मैं आपको आधे घंटे में आके पिक करती हूँ। ठीक है। बट थीम ऑफ द पार्टी इज हेलोवीन। ओके? ग्रीन, ग्रीन क्या? मतलब चुड़ैल। बहुत मजा आएगा। मगर घर वाले इजाजत देंगे? मुझे किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपको पार्टी में एंजॉय करना है तो बस रेडी हो जाना। ठीक है। ये तस्वीर किसकी है? इसमें जो इन्होंने जेवर पहने हैं ना, वो बिल्कुल दादी के जेवर से मिलते हैं। जरा देखकर बताइए ना। ये फोटो तुम्हें कहाँ से मिली? पुराने कागजों में। और पिताजी हमें हमें किसी की धुंधली सी छवि भी नजर आई, यही जेवर पहने हुए। ना ना बेटा, ये इतनी पुरानी बातें कहाँ याद रहती हैं अब हमें। क्या गपशप हो रही है बाप बेटी में? ये लो। अच्छा आओ, हम तुम्हें कुछ साड़ियाँ और जेवर दिखाना चाहते हैं। जी। कहिए, उसी की तस्वीर तो नहीं? अच्छा, हाँ ये लो आप। थैंक यू। हमें नहीं चाहिए भाभी। ये भी बहुत खूबसूरत है ना? उन दो पन्नों का कुछ पता चला? नहीं ठाकुर साहब, मैंने पूरा स्वर्ण भवन छान मारा लेकिन वो 2 पन्ने नहीं मिले। आभा आई थी यहाँ, नहीं कैसे उसे एक पुरानी फोटो मिली है जो उसने उसने अपने सपने में देखी। हमने उसे किसी तरह टाल दिया वकील साहब, कुछ भी नहीं बताया। लेकिन ना जाने हमें क्यों महसूस हो रहा है वकील साहब कि ये अनहोनी अटल है। हमें किसी भी हालत में इस अनहोनी को रोकना होगा।